हेलो गाइस, तो यार आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो दो बच्चे मस्ती कर रहे हैं ना इतनी ज़्यादा, इनमें से एक तो टाइगर है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, आजकल आप बहुत प्यार दे रहे हो टाइगर को, एंड जो छोटी वाली है ना टेडी बेयर हमारी, वो है हमारी एंजल जो कि मेरी चेरी जो है ना उसकी बच्ची है, जो मानविन भाई के पास है एंड जो 8 मंथ्स के हो गए हैं। एंड आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत और कितनी शरारती है। तो अगर कल की वीडियो नहीं देखी यार तो सबसे पहले जाके कल की वीडियो देखो, क्योंकि कल की वीडियो 14-15 मिनट की एकदम रॉ वीडियो थी जिसमें एक भी कट नहीं था यार, मजा आ जाएगी देख के। एंड यार आज की जो वीडियो है ना, ये कल की वीडियो का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन समझ लो, क्योंकि कल क्या हुआ कि हमने एक 14-15 मिनट्स की रॉ वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एंजल और टाइगर को पहली बार मिलवाया, तो ये दोनों बच्चे खूब खेले, खूब खुश हो गए और फिर उसके बाद थक के एक स्टेज थी वहां पे हम बैठ गए, ये भी बैठ गए एंड हमने इनको रेस्ट करने दिया एंड वहीं पे हमारी वीडियो एंड हो गई थी। बट उसके बाद क्या हुआ ना कि वो जो जगह थी, वो जिन डॉग्स की थी, जिन स्ट्रे डॉग्स को वो बिलोंग करती थी, वो जिनकी टेरिटरी थी, उन डॉग्स को पता चल गया कि भैया हमारे इलाके में दूसरे इलाके के डॉग्स आए हुए हैं। अब स्ट्रे डॉग्स की तो यार ये आदत होती है, मतलब ये उनका कर्तव्य टाइप का होता है, अगर उनके एरिया में कोई भी डॉग आया तो उसको बाहर खदेड़ो। तो भाई साहब टाइगर और एंजल जैसा कि मैंने बताया खेल रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स ने एकदम से देख लिया तो वो पार्क में ना एंट्री करना स्टार्ट कर दी उन्होंने, तो कुछ डॉग्स को तो टाइगर ने भगा दिया था, जो कि हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम मैं और मानविन बातें कर रहे थे, हमारे हाथ में कैमरा नहीं था। फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, लेकिन उसके बाद फिर दूसरे डॉग्स जो फेंस थी, फेंस के दूसरी तरफ से आने लग रहे थे भौंकने, एंड एंजल बेचारी इतनी डर जाती थी, उसको जैसे की आवाज सुनी देती थी वो भागती थी, बाबा रे भाग रे टाइगर भाग, बहुत मार पड़ेगा आज अपन को। लेकिन टाइगर बींग ब्रेव, टाइगर की मैंने ये आदत देखी यार गाइस, टाइगर इतनी अच्छी आदत है ना गार्डिंग की टाइगर की, कि टाइगर तुरंत दौड़ के जाता था एंजल को बचाने, तुरंत करे ऐसा कैसे कोई तेरे को हाथ लगाएगा, तो टेंशन ना ले अपन आए ना इधर। एंड उसके बाद बेचारा जब वो डॉग्स चले भी जाते थे, उसके बाद भी एंजल के आगे आगे चल रहा था हर चीज़ में, एंड हर जगह जा जाके उसको एकदम प्रोटेक्टिंग वाला नेचर में आ गया था कि भाई कहीं से कुछ हो ना जाए इस नन्ही सी बच्ची को। ये आदत ना इन भाई साहब ने एक्चुअली में अपने फादर से इनहेरिट की है, इनके फादर भी ऐसे ही थे कि वैसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे हर डॉग के लिए, लेकिन अगर उनकी हाइट से कम कोई डॉग हो ना तो उसके लिए बिल्कुल एग्रेसिव नहीं था, उसको एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करना। इवन अगर जो मेरी मैल्टीज है स्नोई, वो तो मैंने कई बार पहले भी वीडियोस में दिखाया है कि अगर टाइसन खाना खा रहा है ना, चाहे जितना भूखा है टाइसन, चाहे जो ठीक है खाना खा रहा है, किसी को भी छूने नहीं देगा, लेकिन अगर स्नोई आ जाती थी ना तो टाइसन अपने खाने में आराम से उसे खाने देता कि भाई तू खा ले कोई दिक्कत नहीं है। एंड यही सेम चीज़ टाइगर में भी है। मेरे घर में जो छोटे छोटे पपीज हैं रोजी और रॉक्सी, वो जब भी अगर चाहते हैं टाइसन टाइगर के खाने में अपना मुंह डाल के खूब खाते हैं, तो टाइगर कुछ नहीं आता कि हाँ कोई नहीं खाओ खाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ इन भाई साहब ने इनहेरिट की अपने फादर से, कि बड़ों से डरना नहीं, मतलब अपने से बड़े डॉग से कभी डरते नहीं भाई साहब, और अपने से छोटों पे कभी हाथ नहीं उठाते, कभी उनके लिए एग्रेशन शो नहीं करते और बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो गाइस चलो अभी बकवास बहुत होगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि सीन हुआ क्या था, स्टार्ट कैसे हुआ था बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे ना, वो जो मैंने आपको बताया था कि एक डॉग पार्क में आ गया था एंड टाइगर ने उसको भगा दिया था, ये वो वाला सीन है। टाइगर जहाँ पे खड़ा हुआ है ना, वहाँ पे टाइगर की एक गार्डिंग पोजीशन टाइप की ले ली थी टाइगर ने, क्योंकि फेंस, ये जो फेंस जिसके पास टाइगर गया है वहाँ से भी डॉग्स दूर से भौंक रहे थे, एंड जहाँ भी टाइगर खड़ा था उस साइड से, पार्क के बाहर साइड से भी डॉग्स भौंक रहे थे, एंड टाइगर एंजल के एकदम साथ साथ था कि भाई साहब इसका कुछ हो ना जाए, जहाँ जाए एंजल जाए वहाँ वहाँ टाइगर जाए। एंड एक चीज़ और करना आप अभी मेरे बच्चे की, टाइगर ना एंजल को अपने से आगे आगे नहीं चलने देगा, अभी देखना आप, पूरे उसमें फ्रंट फुट पे था कि अगर कुछ हो तो सबसे पहले मुझे हो। देखो हल्का फुल्का भी एंजल आगे जाएगी तो दौड़ के उसके आगे आ जाएगा कि अरे अरे ओ ओ हीरोइन कहाँ, पीछे चल अपन के पीछे आगे नहीं। एंड ये देखो एंजल कितना अफेक्शन शो कर रही है कि ओ हो टाइगर यू आर माई हीरो, तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू सो मच। एंड ये देखो भाई साहब को इन्होंने हीरो हीरो सुना, ये तन गए एकदम कि अरे ऐसा कैसे कुछ तेरे मेरे होते हुए तेरे कोई हाथ कैसे लगाएगा। देखो एकदम पूरी कोशिश करेगा कि फ्रंट फुट पर टाइगर रहे, कि अगर कोई भी आगे से थ्रेट आए तो सबसे पहले टाइगर के पास आइए। देखो हर बार यही कोशिश कर रहा है कि उससे आगे रहे। एंड अब ना जो वीडियो है उसमें तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। Ah!
गाइस यहाँ पे हुआ ये था ना कि जो अपनी एंजल है वो बेचारी अकेले खड़ी थी और एकदम से एक स्ट्रीट डॉग आ गया फेंस के उस साइड जो भौंकने लगा और एंजल की तो भैया फट गई। एंजल तो अपने पास ऐसे यार मालिक बचाओ टाइगर पागल हो गया वहाँ पे लड़ रही है एंड टाइगर भाई साहब वहाँ खड़े ही थे कि वहाँ पे दो तीन स्ट्रीट डॉग्स आ गए एंड पीछे जो पार्क का हिस्सा था ना जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जहाँ से एक डॉग एंट्री कर गया था वहाँ पे भी एक डॉग आने लगा तो वो भी जब भौंकने लगा तो टाइगर भाई साहब अपनी बीच वाली उसी पोजीशन पे आ गए कि फ्रेंड्स भी दिखे और सामने भी दिखे एंड मुझे लिटरली यही लग रहा था कि टाइगर बोल रहा था ओए अपन जैकी भाई का लौंडा है एंड जैकी भाई का नाम लेते ही मुझे जहाँ तक लगा कि सारा मैटर वैटर एकदम ख़त्म हो गया एंड डॉग्स एक 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 करके वहाँ से जाने लगे कि अबे छोड़ो यार जैकी भाई के मैटर पे कौन पड़ेगा फालतू में अभी जैकी भाई आओगे ना इधर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही कुछ हुआ होगा लेकिन ये तो मेरा अजम्पशन है केवल। उसके बाद फिर टाइगर आया एंड इससे इसको एकदम देखो एंजल से कैसे प्यार कर रहा है कि नहीं नहीं अपुन बचाया यार तेरे को तो टेंशन क्या को लेती है अपुन के साथ जब भी पार करने का ना कोई टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना तेरे साथ काय को टेंशन लेती रही। ये देखो खूब मजे किए उसके बाद एंजल के साथ एंड उसके बाद फिर कोई डॉग वहाँ पे आया भी नहीं खैर एंड हम लोग भी फिर वहाँ से चल दिए क्योंकि अच्छा नहीं था ना कि ज़्यादा देर तक डॉग्स बेचारे भौंकते रहें हम उन्हीं की टेरिटरी में थे भाई गलती तो हमारी थी ना उनकी तो कोई गलती नहीं थी बेचारे बच्चों की। एंड ये सीन देखो मुझे इतना प्यारा लगता है ये सीन इतना प्यारा लगता है ये हैप्पी फेस जम्मू शेफर्ड का हैप्पी फेस जब जीभ लटक रही हो दौड़ते में बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे जम्मू शेफर्ड। एंड एंजल को देखा आपने इतने ऊपर से इतनी लाइट है वो तुरंत कूद के आ गई। तो गाइज अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी ना तो प्लीज़ मेरे को बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगी इनकी मस्ती कैसी लगी एंड टाइगर भाई साहब अपने वो तो खैर आपको लगते ही अच्छे हैं। एंड मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको आप में से किसी को ये हार्नेस लेना है जो टाइगर पहना है जिस पर दोनों साइड टाइगर टाइगर लिखा है तो आप ये ले सकते हो paltu.org से। पालतू की स्पेलिंग है paltu.org। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है गाइस आपको और भी कई चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन स्पेशली अगर आपको ये हार्नेस लेना है तो आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में इस समय मिल रहा है सिर्फ 999 रुपीज़ का ये हार्नेस है मतलब 1000 रुपये से भी कम में आपको ये हार्नेस मिल रहा है एंड दोनों साइड आपके डॉग का नाम लिखा होता है इस पर तो बहुत ही अच्छी चॉइस है बहुत खूबसूरत लगता है आपका डॉग बहुत ही कॉन्फिडेंट लगता है आपका डॉग। तो गाइज अभी फिलहाल ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ एंड अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आई लव यू सो मच यार सो मच मतलब आपको अंदाज़ा भी नहीं कि मैं आपको कितने प्यार करता हूँ एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू टेक केयर ऑल ऑफ़ यू बाय। एंड अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आप में से कई लोग अभी भी ऐसे हो यार जो वीडियो देख लेते हो वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू ठीक है हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू ठीक है। तो गाइस फिलहाल फाइनली बाय लव यू टेक केयर हैव अ नाइस डे बाय।